यहाँ पर टोल लिया जा रहा है, वहाँ पर कंडे का कंडे का कंडे रोकना सिर्फ आ गया 2% सब बच्चे यहाँ पर कहा जा रहा है स्कूल की बच्चे को जो सेना की बस जाने दिया जाए। बाकी आपने देखा यहाँ पर यात्रा यहाँ पर पूरी तरह से रोका गया और पहले 2-3 आर्मी की गाड़ी हेलो सेना को रिक्रूट किया गया एम्बुलेंस भी दिखाई एम्बुलेंस भी जा रही है तमाम जो है यहाँ पर आपको दिखा दे किस तरह से गाड़ियों को यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी शायद उन्हें किसी की परवाह नहीं कार को यहाँ पर जब सर हमारे साथ इनसे बात करते हैं इस तरह का माहौल बन गया है इस तरह का प्रशासन का कहें या नेशनल हाईवे अथॉरिटी का अंडा मंडल रवैया जो हाउड़ी का रवैया मैडम देखें ऐसा होता है कि जब सिविल सोसाइटी सड़क पे आ जाए ना वो फेलियर ऑफ स्टेट ये फेलियर ऑफ स्टेट है। ये लोग जितने लोग यहाँ पर हैं ये सब लोग एक सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, इनको पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट दे रही है, नो वन इज पार्टिसिपेटिंग डायरेक्टली इन वोट। ये बेसिकली हम हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, हम इनको हमारी तरफ से पूरी सपोर्ट है। लेकिन ये लोग जो हैं आम लोग हैं जो उठकर आए हैं, जो एलजी प्रशासन और एनएचएआई से थक गए हैं, युवा राजपूत से बात करें ये यंग लड़के हैं, ये यूथ है। जब आप यूथ की बात करते हैं, क्या प्रधानमंत्री फॉर दैट मैटर भी कहते हैं पार्लियामेंट में कश्मीर में यूथ से बात कर रहे हैं, क्या ये यूथ से बात हो रही है? सड़कों पर बैठे ये तो पूरा पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया होगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी और ये एरोगेंस है, हाई हेडेडनेस है, ये एरोगेंस का पूरा है कि यहाँ पर कितने लोग खड़े हैं, यहाँ पर 300-400 युवा राजपूत सभा के लड़के खड़े हैं। ये लोग क्या किस लिए आए हैं? ये लोग पूरे जम्मू खत्ते के लिए लोग जो बाहर से आते हैं, जो अपना यात्रा के लिए जाते हैं, जो कटरा में जाते हैं लोग, उन सब के लिए आ रहे हैं, उनकी सहूलियत के लिए आए हैं, ताकि इसका चार्ज तो होना नहीं चाहिए, उसके बावजूद उन पर चार्ज हो रहा है। इसके बाद हमें कोई शौक नहीं है क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर जो है जम्मू कश्मीर के हम नुमाइंदे हैं, हम अपनी जनता को दुखी नहीं चाहते हैं। हमारा पहले भी पीसफुल प्रोटेस्ट था, अभी भी पीसफुल प्रोटेस्ट है, हमने पहले भी नहीं कुछ ऐसा किया। हम सर जो आप बोलते हैं करने को तैयार है, बट कल आपको हमारे राशन जिला की टोल नहीं लिया जाएगा, वो आज आपकी नजरों के सामने टोल लिया जा रहा है। क्या चाहती है एडमिनिस्ट्रेशन की दंगे में? सर ऐसा नहीं, महापौर की विनती करते हैं सर, आप तक रिलीज किया जाएगा इसके बारे में ये जनसेवा जो है युवा राजपूत सभा की जो टीम है उस समय डिटेन की है उन्हीं के समर्थन में है। इतना बड़ा इशू नहीं है जी, बोल रहे हैं कि जी जी छोड़ेंगे। देखिए आपके चर्चे जम्मू में नहीं बल्कि ये खुशकिस्मती है, लेकिन डोगरे ये चाहते हैं कि उन्हें रिलीज किया जाए। ये पर्सनल डिमांड है सर, पहली बात करते हैं सर, होता है परमिटिव मेजर्स होते हैं, इतनी इतनी बड़ी बात नहीं है, रूटीन चीजें होती हैं। जब ये कानून और व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं आप बेहतरीन जानते हैं। जैसे जो वीडियो रिलीज हो रहा है वो कहा जा रहा है कि पुलिस का कुछ अच्छा व्यवहार नहीं है, उन्हें फोन भी ले लिया, खाना भी ढंग से ले लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा 144 लगने की वजह बताते जनाब, तो हमारे लिए आपको लगता है हालात ऐसे थे, आपको लगता था कि 144 इम्पोज करने की जरूरत है? शिक्षा अनुसार ही सारी चीजें हुई हैं।
किस तरह से इन सारी चीजों को सही करेंगे, सुलझियों को उलझाएंगे कैसे सर? हाँ जी, ये जो है ये सुलझाना कोई बड़ी बात नहीं है, वही बात करेंगे। क्योंकि बेनाम दोष एक नाम नहीं है बल्कि एक पहचान है जो यहाँ की जनता ने आपको आम जनता दी है। किस तरह से सरकार ने बदलाव देखा सर? ये हमारी कमेटी के सारे मुलाकात कर रहे हैं, हम आपसे हाथ जोड़ के यही विनती कर रहे हैं। पहला नंबर हमारा था कि हमारे जो अधिकारी जो हमारे उच्च अधिकारी हैं हमारी सभा के, ये हमारी मांग सिर्फ एक कम्युनिटी की नहीं है, ये डोगरा जितने भी हैं हर एक वर्ग के, हम कोई एक जाति विशेष से नहीं है। ये प्रोटेस्ट अभी खत्म हो जाएगा सर, हम अभी निकल जाएंगे। हमें नहीं, हम एक खंड में लोग डोगरे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे कोई भाई अब आपके नजरों के सामने है। आप पुलिस वहाँ पूरा कॉपरेट कर रहे हैं, बच्चों को जाने दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स के जो गाड़ियां जा रही हैं उनको जाने दे रहे हैं। हमें पता है कि हमारी माता बहनें ही सफर कर रही हैं। तो बट एक चीज है सर, आप यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं सर सिक्योरिटी के, तो हम आपसे ही बात करेंगे और किससे करेंगे सर? उन्हें पहली तो टोल गलत है, दीपक साहब बोलते हैं कि टोल गलत है सर, हमें टाइम दे दीजिए सर। अब हमें अपने प्रेसिडेंट को बाहर निकालना है जो हमारे मंदिर हमारा मेन लक्षण है। उन्होंने ऐसा क्या किया जो डिटेल करना पड़ा? मेरी बात सुनेंगे जब तक वो समाप्त यार आगे मत आओ, फिर आपका सही आता से निकल कर हमारे हाथ में नहीं आता और हम देख नहीं लेते तब तक पिछला ही चलता रहेगा। उन्होंने कोई कानून रोड बने हुए देखिए मैम, प्रिवेंटिव का मतलब होता है कि अध्यात्म के तौर पर पहले ही गलती करने से पहले ही जो है कोई ज्यादा ना, पर उन्होंने पहले बोल दिया था कोई भी यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं होगी, कोई दंगा नहीं होगा, कोई कानून नहीं लिया, फिर उसके बाद नहीं ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज सर क्यों बात रहे हैं, अब बताइए मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको ये बताया है ये फाइनेंशियल इम्प्लिकेशन होते हैं, फाइनेंशियल मैटर है इसमें, और जब तक प्रॉपर तरीके से ये नहीं हट जाता तब तक ये डिस्ट्रिक्ट के मालिक जी ने कह दिया अभिषेक शर्मा सर ने कि आपका टोल नहीं कटेगा। इनमें कौन सी सर एक डिस्ट्रिक्ट आप भारतीय नागरिक हैं, बड़े बड़े जिम्मेवार नागरिक हैं, आप ये समझने की कोशिश करें कि कुछ चीजें आपको भी समझनी पड़ेंगी कि जब तक ये सहमत हूँ कि आपने बोला कि प्रेवेंटिव कोई आगे हम गलती करना चाहते हैं उससे पहले ही आपने लिखा लिया। इस समय DIG शक्ति पाठक हमारे पीछे साफ तस्वीरों में आप देख रहे हैं यहाँ पर आते हुए, और देखना किस तरह यूथ को ये आश्वस्त करवाते हैं। पाठक सर आप पहुंचे हैं यहाँ पर, युवाओं से बात करेंगे, क्या बात करके आप आश्वस्त कर पाएंगे इन्हें? DIG सर इस समय कोई भी जवाब ना देते हुए आगे को बढ़ते हैं शक्ति पाठक सर, अब देखते हैं क्या करते हैं, युवा से बात करते हैं नहीं करते हैं। इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। कितने सारे लोग पीछे रुके होंगे, कोई बीमार होगा, कोई छोटा बच्चा होगा, कोई बुजुर्ग होगा, इनको तो परेशान नहीं कर सकते सर, हम बात करेंगे। मैं आपसे एक ही बात करूंगा, आप एक ही बात देखिए, ठीक है हमारा आपका जो इशू है बिल्कुल वाजिब इशू है, जेन्युइन इशू है, लेकिन उसको बात करने के लिए हम साइड में भी हो सकते हैं सर। इतने लोगों को क्यों परेशान कर, इतने लोगों को परेशान करके उनकी बुराई लेने वाली बात सर, बात ये है आप आए हैं हमारे पास वेलकम है, इज्जत माना क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता, हमारी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है, मगर आपका मान है उम्र में से भी बड़े हैं। हाँ, मगर कल जो हमारा DC साहब ने जो जुबान करके मुकर जाए, हम जम्मू की जनता ये कहते हैं वो
वो हमारा नहीं। कारण ये है कि कल आपके सामने बात हुई थी, आपने एक बार कहा साइड पे हो जाइए, हम हुए या नहीं हुए बताइए। मगर उसके बावजूद पीए स्कूल शाम को 10 बजे, ऐसी क्या नौबत आ गई? आपने जम्मू कश्मीर को देखना है, एलजी साहब यहाँ आए चले गए, हमें एलजी साहब से कोई दुश्मन, मगर जुबान होती है कोई। सर आप हमारे लिए छोटे नहीं, जो हमारे साथ खड़ा है वही हमारा छोटी बात। मैं ये कह रहा हूँ इतने सारे लोगों को परेशान होने, हम नहीं होने दे सकते इतना तो। सर आप एक काम कर लीजिए, अभी बात कर, अभी 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 बात, आपके SSP साहब आए थे, कहाँ गए? हाँ जी, हमने साफ कह दिया अभी तक किसी ने कोई पत्थर नहीं मारा, किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर आप कोई ऐसी बात करते हैं, मालूम है मुझे, हम भी कोई संगठन चला रहे हैं, आपसे जैसे आप एक शक्ति को लेकर चलते हैं, मगर अब ये कहना चाहते हैं अगर कल वो गलती रात को हुई है तो अभी तक वो एक दो घंटे की बात होती है, अभी तक हम लेंगे ना लोगों को क्यों देनी है? मैं ये कह रहा हूँ इतनी सी बात, सर उनको रिलीज करो, आप आए हैं हमारे साथ बात करेंगे ना, मगर बात ये है कि ये जो कुछ हो रहा है लोगों की शर्त के ऊपर मत करो ना, लोगों की कॉस्ट के ऊपर। सर ये जो साइड में मैं यहीं बैठा हूँ, मैं साइड में बैठूंगा, आपके साथ बैठूंगा, लोगों को चलने दे। सर यहीं बैठ, अरे मैं बैठ आपके साथ एक मिनट, जो इमरजेंसी सर्विस है वो चलेगी, सुनो भाई, एम्बुलेंस जाती है जाएगी, स्कूल बस है जाएगी, आर्मी की बस है जाएगी। सर हमारे लोग सुबह से वहाँ, आपके बच्चे जिन्होंने पानी नहीं पिया, जिन्होंने खाना नहीं खाया, वो भी किसी माँ के बच्चे हैं, मगर आपको हमारे बच्चे अपने भाई नहीं नजर आ रहे? अरे बिल्कुल आ रहे हैं, सब नजर आ रहे हैं, ऐसी क्या? मगर हमारा कोई इसमें पर्सनल इंटरेस्ट है तो हमें बताइए, कौन कह रहा है आपका? तो फिर ये हमारे साथ दोगली नियुक्ति क्यों? एक तरफ पीसफुली करो और दूसरी तरफ उठा के अंदर डालो, अब जो साथी बाहर है उनको दो दो करके चार चार करके आप अंदर डालेंगे? आप नहीं, आप नहीं। मुझे ले जाइए, मगर मेरे साथी नहीं जाएंगे। क्यों? अगर ये साथी जाते हैं तो हमारे डोगरों का मान सम्मान, जो हमारा एक मान है, जो हम बात कहते हैं उसको पूरा करते हैं। आप बड़ी बात ही जानते हैं, डोगरे ने एक बार जुबान कर दी तो कर दी, आप हमारे साथियों को जहाँ छोड़िए, 2 घंटे के अंदर ये पीसफुल होगा और हम अपना पीसफुल प्रोटेस्ट ही रखेंगे, किसी को रोड नहीं बंद करने देंगे। आपके साथ साइड में खड़ा हूँ, बात करेंगे सर, उन्हें छोड़ने में दिक्कत है, रिलीज करना बड़ा इशू नहीं है, टेक्निकल चीजें होती हैं, आप टेक्निकल, आपसे बड़ी कोई पोस्ट नहीं है इस एरिया में, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आप चाहे तो अभी ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं। सर फिर आप समझो, डीसी साहब ने ऐसा निर्णय क्यों लिया? वो भी सारी बात कर लेंगे ना, आपको दोबारा भी बैठने के लिए, वो हमारे भाई थे, उन्होंने हमारे साथ, हम वो संगठन नहीं है जो जुबान करके मुकर जाए, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? एक शीशा टूटने पे फायर लगती है, तरह का पुल टूटा, इसकी फायर क्यों नहीं लगी किसी की? बिल्कुल गुड, ये भी अब ये लगाएंगे, हम लगवाएंगे, शीशे तो टूटते रहते हैं सर, बच्चे भी तोड़ देते हैं क्रिकेट खेलते हुए। ये जो कहना, जो भी आपकी बात है, मैं बैठा हूँ साइड में, अभी बात पूरी करेंगे, लेकिन लोगों की कॉस्ट पे मत करिए, लोग जो इतने रुके सर उनको सर आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, यहाँ से वापस चले जाएं, कहीं चले, 15 मिनट की बात है, सर हमारा एक हमारा अभी कुछ नहीं, हम सिर्फ ये जो हमारे नौजवानों को, साथियों को अंदर रखा है, उनका कोई कसूर नहीं, जमानत ले लीजिए, आप उनकी जमानत ले लीजिए, उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे ऊपर इतना प्रेशर है, आप नहीं समझते, पर डिस्ट्रिक्ट वाइज हजार हजार आदमी बैठा है, आज आपने आने नहीं दिया, मगर आप TIG हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो, उनको कोई कसूर की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, कोई ऐसी बात फिर ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? सुनो ना, पहले हम बात कर रहे हैं ना, फिर आपको जवाब देंगे, बात बताएंगे, वो तो कह रहे हैं सर, रात को 12:30 बजे उठा रहे हैं मैडम, वो कह रहे छोड़िए हम खाली का यहाँ से बिल्कुल क्लियर, मुझे बात तो करने दो ना, आप क्यों ऐसा कर, प्लीज करो हम, आप एक काम कर लीजिए साथी, आप लोग साइड में बैठिए, अगर ये है मैं 2 मिनट की बात जरूर सुनता हूँ, मगर आपकी सिंपैथी, आपका प्यार मेरे साथ है और मैं आपके साथ हूँ, अगर कोई जाएगा तो मैं अंदर जाऊंगा, आप लोग यहीं बैठेंगे, कोई चिंता नहीं। और कहते हैं सरफरोशी की तमन्ना, देखना है जोर कितना, हमारे साथी अंदर बैठे और हम खाना खाएं, ऐसा नहीं हो सकता।